हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये इस तरीके का लेडीज बूट लेके आई हूँ। ये देखिए, ऐसा लुक आएगा इसका और बहुत ही इजीली बन जाता है ये। इसमें आपको ज़्यादा मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये पहले यहाँ से शुरू करा है और ये पूरा यहाँ से शुरू करके आपको पूरा एक राउंड करके वापस यहाँ तक लाना है और उसके बाद यहाँ से सिलना है और नीचे से सिलना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसके लिए आप देखिए, जैसे ये पैर है हमारा, तो आपको फंदे अपनी ऊंचाई के हिसाब से लेने हैं। आप जितने ऊंचे सॉक्स बनाना चाहते हैं आपको उतने फंदे लेने हैं। मैंने इस सॉक्स में 24 फंदे ले रखे हैं, 24 स्टिचेस ले रखी हैं। तो आप को ऐसे करके नापनी है कि आपको कितने फंदे चाहिए अपने पैर के हिसाब से, कि आपका पैर कितना ऊंचा है। तो आप ऐसे नीचे से फंदे लेके, देखिए मैंने इसमें 24 डाली हुई है, तो ये आप ऐसे करके नाप लीजिएगा तो आपको जितना ऊंचा चाहिए ऐसे ही खुलेगा। फिर ऐसे नाप के जितना भी ऊंचा चाहिए होगा उसमें आप फंदे डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो बूट्स हैं वो दो कलर में बना रखे हैं मैंने, और इसमें उल्टा उल्टा ही बनेंगे हम। ये पूरा शूज हमारा उल्टे उल्टा उल्टा करके ही चलेगा। जो ये बूट है ये पूरा उल्टा उल्टा करके ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें मैंने 24 स्टिचेस डाल रखी हैं और ये फर्स्ट रो है मेरी, तो इसको हम पूरा उल्टा बेल लेंगे। ये देखिए, राइट साइड की एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इसमें उल्टा उल्टा बिना है, हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया अपना उल्टा उल्टा बिनते हैं। अब हम हमारी ये रॉन्ग साइड है और हम अब इसमें अपना सेकंड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए ऐसा, इसमें रॉन्ग साइड से ही सेकंड कलर ऐड करेंगे हम। देखिए ऐसे करके ऐड करेंगे और उल्टा उल्टा ही बिनना है इसमें। इसको लॉक करते हुए ले जाएंगे ऐसे आगे ताकि ये निकले ना हवा। पहले ये जो कलर हम नया ऐड करेंगे उसे हमें पूरे फंदे नहीं बिनने हैं, हमें लास्ट के ये तीन फंदे बिना बिने छोड़ देने हैं। देखिए हमने यहाँ से कलर ऐड करा, उसके बाद हम यहाँ तक लाए इसको और फिर लास्ट के हम तीन फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और इस सिलाई को ऐसे टर्न कर देंगे। फिर टर्न करने के बाद ये वाला फंदा फर्स्ट स्टिच है हमारी, उसको हम ऐसे निकालेंगे अगली सिलाई में, धागा आगे करेंगे और फिर इसको एंड तक पूरा उल्टा बिनते हुए ले जाएंगे। उल्टा उल्टा बिन लेंगे हम इसको पूरा। फिर हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं। अब हम अपना कलर चेंज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कलर था अब हमने उसे बिनना है। इसलिए अब हम पूरा ये
पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिनते हैं, लास्ट तक ले जाएंगे। ये देखिए, पहले हमने ये पिछली वाली सिलाई में ये तीन बिना बिना उतार लिए थे, इस बार हम इसको बिन लेंगे। फिर इसको बिनते हुए वापस ले जाएंगे और इस मोजे में पूरा हमें उल्टा उल्टा ही बिनना है। ये राइट साइड है हमारी, और फिर अपनी रॉन्ग साइड में है हम। फिर हमें कलर चेंज करना है, ये सेकंड कलर लेंगे हम और इससे उल्टा बिनते हुए ले जाएंगे। अब देखिए, पहले हमने तीन फंदे बिना बिने छोड़े थे, अब की बार हम ये छह फंदे बिना बिने छोड़ देंगे। ये 1 2 3 4 5 6, ये छह फंदे हम बिना बिने छोड़ेंगे और इसको ऐसे ही टर्न कर लेंगे वापस से और इसको इस सिलाई में उतारा पहला वाला फंदा, धागा आगे करा ऐसे और इसको उल्टा बिनते हुए पूरा पीछे तक ले जा देंगे। राइट साइड में बिन रहे हैं हम इस साइड। देखिए, एक तरफ से हमारे फंदे यहाँ पे छूट रहे हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है और फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे, जो फर्स्ट कलर है हमारा उससे हम बिनेंगे पूरे फंदे। आपको बस इतना याद रखना है कि आप जिस कलर से स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट कलर होगा, उससे हमें हर बार पूरे फंदे बिनने हैं। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे छह फंदे बिना बिने छोड़े थे, इस बार हम इस कलर से इसको पूरा बिनेंगे। फिर इसको उल्टा बिनते हुए हम वापस ले जाएंगे। ये राइट साइड है हमारी। अब देखिए, फिर हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं और हमें कलर चेंज करना है फिर से। फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे, इससे उल्टा बिनते हुए ले जाएंगे।
देखिए यहाँ पे पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, उसके बाद हमने 6 फंदे छोड़े थे, अब की बार हमें ये 9 फंदे छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे छोड़ के हम वापस से इसे टर्न करेंगे सिलाई को, और इसको इस सिलाई में उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये सिलाई पूरी उल्टी बेच देंगे। अब ये रॉन्ग साइड है हमारी, हम वापस से कलर चेंज करेंगे अपना, जो हमारा फर्स्ट कलर है उससे हम ये पूरी सिलाई उल्टी बिनेंगे। ये देखिए हम अपनी राइट साइड में हैं, फिर इसको सिर उल्टा बिनते हुए हम पूरा लास्ट तक ले जाएंगे। बहुत ही इजीली बन जाती है ये सॉक्स और बहुत जल्दी बनती है। ये देखिए हम फिर अपनी रॉन्ग साइड, ये देखिए फिर हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं। अब फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे और इसको उल्टा बिनते हुए ले जाएंगे। देखिए हमने ये 9 फंदे छोड़े थे पिछली बार बिना बिने, अब की बार हमें ये 6 फंदे छोड़े हैं। ये वापस से हमें ये 6 फंदे ही छोड़ने के ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे बिना बिना छोड़ेंगे इस बार, और इसको फिर ऐसे ही टर्न कर लेंगे, इसको सिलाई में उतारा ऐसे धागा आगे करेंगे और इसको पूरा उल्टा बिनते ले जाएंगे। हमारी ये रॉन्ग साइड है, कलर चेंज करेंगे अपना, फर्स्ट कलर लगाएंगे हम और इसको पूरा उल्टा बिन लेंगे। इस कलर से हमें पूरे फंदे बिनने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सॉक्स का पैटर्न बनेगा। पहले हमने ये 3 फंदे छोड़े हैं, उसके बाद हमने 6 फंदे छोड़े हैं, उसके बाद हमने 9 फंदे छोड़े हैं, और उसके बाद फिर से 6 फंदे छोड़े हैं, और फिर से हमें ऐसे ही यहीं से स्टार्ट करना है। जब हम रिपीट करेंगे तो फिर आगे ये 3 फंदे छोड़ेंगे, फिर 6, फिर 9, फिर 6, तो ऐसे ही करते करते ये हमें पूरा अपना राउंड कंप्लीट करना है ऐसे करके। उसके बाद मैंने ये डोरी करोशी से बनाई है और इसमें पॉम पॉम लगा रखे हैं ये, तो चलिए मैं आगे पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको कि इसका लुक कैसे आएगा। ये देखिए हमारा सॉक्स बन गया है पूरा, अब हमें केवल से सिलना है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये ऐसे गोलाई में आएगा क्योंकि हमने यहाँ से कम बिना है और यहाँ से ज्यादा बिना हुआ है। और इसके अलावा इसमें देखिए एक राउंड हमारा 4 धारियों में कंप्लीट हो रहा है। पहले हमने यहाँ पे 3 छोड़े थे, फिर 6 छोड़े हैं, फिर 9 छोड़े हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 छोड़े हैं, उसके बाद हमारा पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है यहाँ से। तो इन 4 धारियों में हमारा एक बार का पैटर्न बनेगा।
तो अब मैंने इसमें टोटल 10 धारियां डाली हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 बार मेरा पैटर्न चला है इसमें। आप अपने पैर के हिसाब से जितना होगा उतना बनाइएगा और ये अब ऐसे सिलेगा, ऐसे करके लुक आएगा इसका। अब हमें यहां से सिलना है, पहले हम इसको घटाएंगे, उसके बाद यहां से सिलेंगे और ये नीचे से सिलेंगे। अब मैं इसको नापना बताती हूँ आपको। चलिए अब मैं बताती हूँ कि कैसे नापना है आपको इसको। ये देखिए, ये अगर आपका पैर है तो आप इसको डबल कर लीजिएगा, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जो हमने ज्यादा बिना हुआ है, नीचे वाला पोर्शन है उसको नापिएगा। ऐसे रख के उसको नापिएगा कि आपके पैर में कितना हुआ है, और थोड़ा सा छोटा ही बनाइएगा अपना सॉक्स, क्योंकि ऊन है, ऊन स्ट्रेच करती है। अगर आप पहनेंगे तो वो स्ट्रेच करती है, कोई भी चीज ऊन की बनेगी। तो मैं थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ जिससे वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो ऐसे करके नापिएगा। अगर आपके पैर की लेंथ में आता है ये नीचे से, ये वाला पोर्शन नापना है हमें, आपके पैर की लेंथ में आ जाता है थोड़ा छोटा, तो आपको अब हमें यहां से सिलना है अपना मोजा और यहां से सिलना है अपना मोजा। तो चलिए इसको पहले हम घटा देते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद उल्टा उल्टा ही बिना है तो मैं उल्टा उल्टा ही घटा रही हूँ यहाँ पे। देखिए 2 फंदे हुए, एक को पीछे से ऐसे जैसे नॉर्मल हम घटाते हैं वैसे ही घटाना है। एक फंदा बिना और पीछे वाले को इसके आगे निकाल दिया, फिर एक फंदा गेंद बिना इस पीछे वाले को इसके आगे निकाल दिया। पूरे हमें फंदे ऐसे ही घटाने। ये देखिए मैंने घटा दिया पूरा। अब ये लास्ट वाले फंदे को हम लॉक कर देंगे। अब हमें अपना मोजा ऐसे में सिलना है। ये हमारा रॉन्ग साइड का लुक है, देखिए ऐसे आएगा रॉन्ग साइड का लुक। उल्टा करेंगे पहले हम मोजे को ऐसे, ये देखिए। अब मैं इस वाले धागे से इधर का पोर्शन सिलूंगी और इस वाले धागे से इधर का पोर्शन सिल दूंगी, ताकि ये दोनों ही लॉक हो जाए। आप चाहे तो ये जो हम फंदे डालते हैं इसको भी थोड़ा लंबा छोड़ के इसी से भी सिल सकते हैं। यहां से मैं यहां तक ऐसे सिल रही हूं। हर कोई अलग अलग तरीके से सिलता है, तो आप जैसे भी सिलते हो उस तरीके से सिल लीजिएगा। मैंने यहाँ का सिल दिया है और अब मैं ये वाला पोर्शन सिलने जा रही हूँ। देखिए मैंने ऊपर का भी सिल दिया है, नीचे का भी सिल दिया है। इस तरीके का आएगा इसका लुक बनने के बाद, जैसे इसका है। उसके बाद मैंने ये डोरी क्रोशिया से बनाई है, लंबा धागा लेके हम इसमें नॉट लगाएंगे।
ये हमारी नॉट लगी, और उसके बाद मैंने 100 चेन्स बनाई हैं ऐसे करके, देखिए ये 1 2 ऐसे करते हुए मैंने ये 100 चेन्स बनाई है। चाहे तो आप इससे ज्यादा भी चेन बना सकते हैं, जितना भी आपको ये डोरी रखनी है अपने पैर के हिसाब से, तो आप उतनी चेन बना दीजिएगा। ये 100 चेन्स बना दी है मैंने, आप इसको लॉक करके बंद कर देते हैं। बंद कर देंगे और इसको थोड़ा लंबाई काट लेंगे, धारी छोड़ के मैंने दूसरी धारी में डाला है, ये ऐसे अंदर जाएगा। ऐसे करके ये देखिए ऐसे आएगा लुक। उसके बाद फिर हम ऐसे ही एक एक धारी छोड़ के इसके अंदर ऐसे ले जाते जाएंगे, फिर इसको बाहर से ऐसे ले जाएंगे। ये पूरा हमें यहां से घुमाते हुए एंड तक लाना है। ये देखिए मैंने एंड तक कर दिया है, अब हम उसी जगह से थोड़ा सा इससे दूर को भी बाहर निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे बाहर निकाल दिया मैंने। अब हम यहाँ पे दो पॉम पॉम लगाएंगे इस तरीके से, पॉम पॉम को हम इसमें अटैच कर देंगे। ये ऐसे करके इस तरीके से अटैच हो गया, दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही अटैच कर देंगे और फिर इसका लुक इस तरीके का आएगा। थैंक यू।